हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बनाते हैं आलू और पापड़ी की सब्जी। ये आलू पापड़ी का जो हमारा मसाला है वो है राई है, लहसुन है, हरी मिर्च है, टमाटर है। तो ये हमें अच्छे से इसको पीस लेना है, एकदम महीन पेस्ट बना लेना है। तो इसको हम ग्लेंडर जाल में डाल के इसको खूब अच्छे से पीस लेते हैं। इधर हमने चढ़ा दिया है तेल, और तेल हमने राई का लिया है। आप जिसमें बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन राई के तेल में बहुत अच्छी खुशबू आती है बनाने के बाद सब्जियों में। तो ये हमने डाल दी है मेथी। मेथी खूब अच्छी से चटक जाएगी तब इसमें हम सब्जी डालेंगे। हाँ, मैं रोज़ राई का तेल नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ में आलू के चोखा है या ये सब की सब्ज़ी है तो उसमें इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने डाल दिया राई चटकने के बाद, इसमें हमने डाल दिया है सब्जी अपनी, आलू और सेम। हमारे वहाँ तो इसको पापड़ी बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सूरत में तो इसको पापड़ी बोली जाती है, एक इससे छोटी भी आती है वाइट कलर। तो ये हमने सब्जी ढक दी थी थोड़ी देर के लिए, अब फिर से खोल के देख लेते हैं कि सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुना गई है कि नहीं, क्योंकि हमें इसको ढक ढक के भूनना है। और अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि अच्छे से भून लेंगे तो आलू भी हमारा गल जाएगा। हमें आलू में पानी नहीं डाल के पकाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो चलिए, हमने सब्जी फिर से ढक दी है, फिर से एक बार खोल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब्जी आलू का कलर चेंज करना। अब आलू का कलर हमारा चेंज होने लगा है, तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो ऐसे ही आप भूने, अब अच्छे से खूब देख सकते हैं आलू। और इसमें हमने डाल दी है हल्दी। हल्दी को भी खूब अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि तेल में अगर हम हल्दी हम भून लेते हैं तो उसमें खूब अच्छे से जो उसकी खुशबू होती है ना हल्दी की, वो चली जाती है, कलर भी अच्छा आ जाता है। और यहाँ हमने डाल दी एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च। तो वो वीडियो बंद हो गई थी इसके लिए हमने दिखाया नहीं, आप अपने हिसाब से डाल लें आपको कितना डालना है सब्जी में। यहाँ हमारा पेस्ट हम डाल दिए हैं जो हमने बनाया था राई के साथ, और पानी नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि हम जो मिक्सर का प्याला हमारा है बस उतना ही धुल के डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमें मच्छी जैसी सब्ज़ी बनाना है तो पानी नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करते हैं बढ़िया से एकदम, कि सारा मसाला एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद यहाँ हम डालेंगे खटाई थोड़ी सी। और खटाई हमने कौन सी डाली है, वो लाल मिर्च में आती है खटाई, हमने तो यूपी से मंगवाया था। ये लाल मिर्च होता है, उसमें कच्ची कैरी मतलब कच्चे आम की खटाई होती है, उसके अंदर मसाले डाल के सब भरते हैं। तो ये मछली में हो या सब्ज़ी में हो डालें, बहुत अच्छा इसका एक टेस्ट आता है, इसमें सब अलग मसाला होता है। अगर आपके पास मसाला नहीं तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, नींबू से भी अच्छा बन जाएगा। उसमें टमाटर कुछ ज़्यादा डाल दें, टमाटर से भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो चलिए, इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि नमक हम अपनी सब्ज़ी के हिसाब से डालते हैं। हमने तो तरीका बता देते हैं कि हमें कैसे बनाना है, लेकिन अब हमें बनाना कितना है वो तो हम अपने परिवार के हिसाब से बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से सब मसाला डालें। ये हो गया हमारा खूब अच्छे से मिक्स मसाला। इसको खूब अच्छे से एकदम मिक्स करना है, ताकि हमारा कहीं से आलू कच्चा नहीं रहे। अब इसको हमने ढक दिया है, अब देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। कितनी बढ़िया अच्छी सब्ज़ी बनी है, इसका लुक देख लीजिए। तेल भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि इसकी सब्ज़ी में तेल बहुत ज़्यादा नहीं सही चाहिए। अब इसको हम चपाती के साथ सर्व करेंगे, क्योंकि हमने बनाई है चपाती। अगर आप चावल बनाना चाहते हैं तो चावल भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेवी हमने नहीं डाली है। अगर आपको डालना है तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ग्रेवी नहीं डालें फिर भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग भी बनाइए, बना के एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बनाइए और बताइए कमेंट में हमारी सब्ज़ी कैसे लगी। अब हम फिर से दूसरी एक वीडियो लेके आएंगे, देखते हैं क्या बनाना। अल्लाह हाफिज़।